हे गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं क्यूरियस स्टफ। दोस्तों, जैसे कार को चलाने के लिए हमें फ्यूल की नीड होती है, उसी तरह हमारे बॉडी को भी फ्यूल की नीड होती है, और वो फ्यूल है फूड, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसी फूड को लेकर बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, और उसका नाम है GMO, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब किसी स्पीसीज के जीन्स को किसी दूसरी डिफरेंट स्पीसीज के जीनोम में इंसर्ट किया जाता है, तो उसके डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं, और इस टेक्निक को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस टेक्निक से हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम कहते हैं GMO। अब ये ऑर्गेनिज्म कोई भी फूड, प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बैक्टीरिया के जीन को किसी फूड क्रॉप में इंसर्ट करना, या फिर किसी फिश के जीन को किसी फूड क्रॉप में इंसर्ट करना। वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत से फील्ड में यूज होती है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज एंड मेडिसिन। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंसुलिन, जो कि हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। लेकिन फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों है? जब आप गूगल करेंगे GMO, तो लगभग आपको इतने रिजल्ट मिलेंगे। अब आधे इसके सपोर्ट में होंगे और आधे इसके अगेंस्ट में। अब ऐसे में हम कॉमन पीपल किसकी बात सुने? इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो कि GMO के सपोर्ट में कही जाती है। GM टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है टू फीड द वर्ल्ड। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंटली वर्ल्ड की पॉपुलेशन 770 करोड़ है, जिसमें से 80 करोड़ लोग अंडर नरिश्ड हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक ये बढ़कर 200 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में GM फूड एक बहुत ही बेटर सॉल्यूशन है, क्योंकि GM क्रॉप से फार्मर्स कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे कि ज्यादा लोगों का पेट भर पाएगा। With the GM technology, I said so much, I managed to send my son to school. GM crops के आने के बाद यील्ड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है, जिससे कि फार्मर्स का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इवन GM क्रॉप्स की हेल्प से आप कम जमीन में भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। 2014 में की गई एक स्टडी के अकॉर्डिंग GM क्रॉप्स के एडॉप्शन के बाद यील्ड में 22% और फार्मर्स के प्रॉफिट में 68% का इंक्रीमेंट हुआ है। GM टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा विटामिंस, मिनरल्स मिल सके और वो ज्यादा दिन तक फ्रेश भी रहे। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। अकॉर्डिंग टू WHO, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण हर साल 2.5 से 5 लाख बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं। और इसी के सॉल्यूशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था जेनेटिकली इंजीनियर्ड गोल्डन राइस, जिसमें कि नॉर्मल राइस से ज्यादा न्यूट्रिशन है और ज्यादा बीटा कैरोटीन है, जो कि बाद में बॉडी के अंदर जाकर कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। हर साल पेस्ट और इंसेक्ट की वजह से ग्लोबली 30-40% फूड क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, और इसका रीजन है महंगे पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर। इसलिए GM क्रॉप्स में दो ट्रेड डाले गए, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट एंड हर्बिसाइड टॉलरेंट। यानी कि GM क्रॉप के अडॉप्शन के बाद हमें इतना इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड यूज नहीं करना होता, जिससे कि ओवरऑल पेस्टिसाइड के यूज में कमी आती। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग GM क्रॉप के अडॉप्शन के बाद ओवरऑल पेस्टिसाइड के यूज में 37% का डिक्रीमेंट हुआ। There's absolutely no proof to the health hazard. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, GMO बिल्कुल सेफ है हम ह्यूमंस, एनिमल और एनवायरमेंट के लिए। उनके अकॉर्डिंग फूड मॉडिफिकेशन कोई नई चीज नहीं है। पिछले 10 से 20 हजार सालों से हमारे एंसेस्टर इस टेक्निक का यूज करते आ रहे हैं, ताकि क्रॉप्स में न्यू ट्रेट्स डाले जा सके। इवन अमेरिकन एसोसिएशन, WHO और यूरोपियन यूनियन ने इसे दूसरे फूड की तरह एकदम सेफ माना है। इवन GM टेक्नोलॉजी कुछ केसेस में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है। फॉर एग्जाम्पल, रेनबो पपाया इन हवाई, बनाना इन युगांडा और BT एग प्लांट इन बांग्लादेश, जहां पे GM क्रॉप के यूज से पूरी की पूरी इंडस्ट्री बर्बाद होने से बच गई, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया और किसानों की इनकम बढ़ गई। अब ये तो हो गई GMO के बारे में कुछ अच्छी बातें, पर अब पता करेंगे उन बातों के बारे में जिनके कारण इन्हें अपोज किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, GMO इज नॉट सेफ, क्योंकि अगर वो सेफ ही होता तो इतनी सारी कंट्रीज में बैन नहीं होता। और GM क्रॉप्स को लेकर हम ह्यूमंस के ऊपर एक भी लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुई है, और बिना किसी स्टडी के ही इसे अप्रूव कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू जेनेटिसिस्ट डेविड सुजुकी, हम सब ह्यूमन बीइंग्स एक मैसिव जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है, जो कि हमें GM फूड खिलाकर हम पर किया जा रहा है, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता है कि GM फूड कितना सेफ है और इसे खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे और ये फूड हमारे सेल्स और DNA के साथ कैसा रिएक्ट करेगा। कुछ साल पहले नेचर जनरल में एक स्टडी पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया कि हमारे फार्मर्स हर साल हमारी जरूरत से 1.5 गुना ज्यादा फूड प्रोड्यूस करते हैं,
और उसे आज की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो हम आज भी 10 बिलियन लोगों का पेट भर सकते हैं। लेकिन फिर भी पूरे वर्ल्ड में हर दिन 80 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। और बात करें सिर्फ इंडिया की, तो हम इंडियंस हर साल उतना फूड वेस्ट कर देते हैं जितना कि यूके के लोग एक साल में कंज्यूम करते हैं। यानी कि मेन प्रॉब्लम खाने की कमी नहीं है, बल्कि पॉवर्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी और क्लाइमेट चेंज है। जीएम क्रॉप्स लॉन्च करते वक्त कॉर्पोरेशंस का सबसे मेजर सेलिंग पॉइंट था कि इसमें पेस्टिसाइड का यूज कम होगा, जिससे कि फार्मर्स का टाइम और पेस्टिसाइड में खर्च होने वाले पैसे दोनों बचेंगे। और ये चीज स्टार्टिंग के कुछ सालों तक सही भी हुई, लेकिन उसके बाद सिचुएशन ड्रास्टिकली चेंज हो गई। ज्यादातर स्टडीज के अकॉर्डिंग इंसेक्टिसाइड के यूज में तो कमी आई, लेकिन हर्बिसाइड का यूज कई गुना बढ़ गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबसे ज्यादा जीएम क्रॉप जो सेल की जाती है वो होती है हर्बिसाइड टॉलरेंट। और बात करें सिर्फ यूएस की, तो वहाँ पे 93% ऑफ सोए, 82% ऑफ कॉटन और 85% ऑफ कॉर्न हर्बिसाइड टॉलरेंट है। यानी कि जब हर साल इनका प्रोडक्शन बढ़ा तो हर्बिसाइड का यूज भी बढ़ा, और ज्यादा यूज होने के कारण वीड्स में एक रेजिस्टेंट क्रिएट हो गया, जिससे कि हर्बिसाइड ने उन पर काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण ओवरऑल पेस्टिसाइड का यूज बढ़ गया। अब बात करते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले वीड किलर की, जो कि है राउंडअप हर्बिसाइड, जिसमें कि मेजर एक्टिव इंग्रेडिएंट है ग्लाइफोसेट। बेसिकली हर्बिसाइड मेन क्रॉप्स के पास उगने वाली वीड्स और छोटे प्लांट्स को मारता है, बिना मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचाए। अकॉर्डिंग टू मॉन्सेंटो, उनका ये हर्बिसाइड टेबल सॉल्ट से भी ज्यादा सेफ है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब IARC ने स्टेटमेंट पब्लिश किया जिसमें कि ग्लाइफोसेट को ह्यूमन कार्सिनोजेनिक बताया, क्योंकि इससे पहले तक लोग इसे एकदम सेफ समझते थे, लेकिन इसके बाद इसके ऊपर बहुत सी स्टडीज हुई। 2005 में एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव की एक स्टडी में ये बात सामने आई कि राउंडअप हर्बिसाइड के फॉर्मुलेशन में ग्लाइफोसेट के अलावा जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो उससे 125 गुना ज्यादा खतरनाक है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को ने एक पब्लिक टेस्टिंग की, जिसमें कि 131 लोगों के यूरिन का सैंपल लिया गया, जिसमें कि 93% के यूरिन में ग्लाइफोसेट पाया गया। जब US जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने मिसिसिपी, आयोवा एंड इंडियाना में एयर, वाटर एंड रेन वाटर के सैंपल टेस्ट किए, तो उनमें भी ग्लाइफोसेट डिटेक्ट किया गया। यानी कि ग्लाइफोसेट हर तरफ है, फूड से लेकर यूरिन, टैप वाटर, रिवर, रेन वाटर और इवन ब्रेस्ट मिल्क में भी। और ये कितना डेंजरस है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मॉन्सेंटो के अगेंस्ट 10,000 से भी ज्यादा लॉसूट फाइल किए गए हैं, जिसमें से 3 का रिजल्ट आ भी चुका है और तीनों ही केसेस में मॉन्सेंटो को हार मिली है। और कोर्ट ने मॉन्सेंटो को पहले केस में 78 मिलियन, दूसरे केस में 80 मिलियन और तीसरे केस में $2 बिलियन देने को कहा है। Genetically engineered organisms are really a product to sell people. According to environmental activists, GMO एक स्कैम है जिसके थ्रू बिग कॉर्पोरेशन फूड सप्लाई को कंट्रोल करना चाहती है। बेसिकली इन कॉर्पोरेशंस का मास्टर प्लान है सारी नेचुरल सीड्स को रिप्लेस करना GM सीड से और एक मार्केट क्रिएट करना केमिकल्स का, जो कि यूज होते हैं GM क्रॉप्स में। आज से करीब 20 साल पहले तक सीड मैन्युफैक्चरर्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर की 600 से भी ज्यादा कंपनीज थी, जो कि अब बिग कॉर्पोरेशन के मर्जर के बाद रह गई है सिर्फ 4। यानी कि मर्जर के बाद इन टॉप 4 एग्री बिजनेस कंपनीज के हाथ में ग्लोबल सीड मार्केट का पूरा कंट्रोल है। यानी कि अब फार्मर्स के पास बहुत कम चॉइसेस होगी कि उसे क्या उगाना है और क्या नहीं, और सब कुछ डिसाइड करेंगी ये बिग एग्रो बिजनेस कंपनीज, जिससे कि मोनोकल्चर बढ़ेगा, इस फील्ड में दूसरी छोटी कंपनीज का आ पाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कि इस फील्ड में इनोवेशन की कमी हो जाएगी। मर्जर के बाद फूड प्राइसेस में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि इन कंपनीज ने सीड्स और फूड सिस्टम दोनों को कंट्रोल कर रखा है, और इन कंपनीज के पास इतनी पावर है कि इनके आगे गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ता है। कुछ साल पहले मॉन्सेंटो के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे, जिसमें कि ये बात पता चली कि EPA को पहले ही पता था राउंडअप हर्बिसाइड के हेल्थ रिस्क के बारे में, लेकिन फिर भी उसे अप्रूव किया गया ऑल बिकॉज ऑफ मनी। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं था, पहले भी बहुत बार बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस ने इंस्टीट्यूट, प्राइवेट लैब्स और कॉलेजेस को रिसर्च के लिए फंडिंग दी है ताकि रिजल्ट उनके फेवर में हो। इवन साइंटिस्ट तक इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि उन्हें प्रेशराइज किया जाता है। 1995 में एक रिसर्च शुरू की गई जिसका एम था ऐसे क्रेडिबल टेस्टिंग मेथड इन्वेंट करना जो कि आइडेंटिफाई कर सके कि कोई भी GM क्रॉप्स ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरमेंट के लिए कितनी सेफ है। और इस रिसर्च के हेड थे डॉक्टर आरपाड पुष्ताई, जो कि अपने फील्ड के सबसे जेन्युइन, क्रेडिबल और इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट में से एक थे। डॉक्टर आरपाड को रिसर्च के बीच में पता चला कि जिन रेट्स को उन्होंने 10 दिनों तक GM पोटेटोस खिलाए थे, उनके इंटरनल ऑर्गन ठीक से ग्रो नहीं कर पाए, उनका ब्रेन डैमेज होने लग गया और इम्यून सिस्टम वीक हो गया।
उसके बाद उन्होंने टीवी पे एक छोटा सा इंटरव्यू दिया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें रिसर्च प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया। उन्हें फोर्स किया गया कि वो रिटायर हो जाएं और उनकी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन को खराब कर दिया गया। Many researchers that are involved in working on GMO crops are severely penalized. They've lost their jobs, they've had their funding canceled. September 2012 में Food and Chemical Toxicology Journal में एक स्टडी पब्लिश की गई, जिसे कि किया था फ्रेंच मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एरिक सेरेलिनी ने, और ये स्टडी जीएमओ और हर्बिसाइड की टॉक्सिसिटी के ऊपर की गई अब तक की सबसे बड़ी, स्ट्रॉन्ग और वेल डिजाइन स्टडी थी। और रिजल्ट में ये बात सामने आई, जिन रेट्स को जीएम डाइट दी गई उन्हें किडनी और लीवर डिजीज हो गई, स्पेशली मेल्स को, और ज्यादातर फीमेल्स को मेमोरी ट्यूमर्स हो गए और उनकी प्री मैच्योरली डेथ हो गई। इन टोटल अप टू 50% ऑफ मेल्स एंड 70% ऑफ फीमेल्स की प्री मैच्योरली डेथ हो गई जीएम ग्रुप से। लेकिन इस स्टडी को थोड़े ही दिन बाद रीट्रैक कर दिया गया, ये बोलकर कि स्टडी में रेट्स के बहुत कम सैंपल लिए गए, सही टाइप के रेट्स का यूज नहीं किया गया और ये स्टडी साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग कंडक्ट नहीं की गई। लेकिन बहुत से साइंटिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने इसे सपोर्ट किया और इसे एकदम क्लीन बताया, और फाइनली 2014 में इसे नेचर जनरल में वापस रिपब्लिश किया गया, और इवन सेरेलिनी ने कोर्ट में केस भी जीता और मार्क फेलिस को गिल्टी पाया गया, यानी कि सेरेलिनी की स्टडी बिल्कुल ट्रू थी। और ऐसी बहुत सी स्टडीज हैं जहां ये पता चला कि जीएमओ इज नॉट सेफ। सो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों ही पक्षों की बातें बताई, सो आगे आपको डिसाइड करना है। और इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी स्टडीज बताई हैं उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। सो आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय।